नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद रहुल्ला मेहदी ने नुनेर की एक चुनावी रैली में इसकी घोषणा की है। उमर अब्दुल्ला भी यहां मौजूद थे। हालांकि जुलाई 2020 में उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2014 के विधानसभा चुनाव में उमर बीरवा सीट से लड़े थे। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट नाजिर अहमद खान को 910 वोटों से हराया था। अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमारे घोषणा पत्र की नकल की है। उन्होंने करीब वो सभी वादे किए जो हमने पहले किए। कश्मीर की बेहतरी के लिए एनसी कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ पीडीपी अपना कैंडिडेट ना उतारे क्योंकि उनका एजेंडा एक ही है। हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज हमारे मंसूर का हर किसी ने नकल किया है ना। 19-20 का फर्क रखते तो ठीक रहता। हमने 2000 यूनिट बिजली की बात की, उन्होंने भी 200 यूनिट, उन्होंने भी 200 डाले। हमने 1,00,000 नौकरियों की बात की, उन्होंने 1,00,000 नौकरियों की बात की। हमने बंद सड़कों को दोबारा खोलने की बात की, वो भी उनके मंसूर में। हमने बातचीत का दरवाजा खुला रखने पे, वो भी उनके मंसूर में। लगभग हर बात जो मेरे साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंसूर में रखा वो उनके मंसूर में है। फिर कहते हैं कि अगर एनसी और कांग्रेस हमारे एजेंडा को तस्लीम करती है हम उम्मीदवार नहीं उठाएंगे। अरे नाम आपने तो हमारा सारा एजेंडा आपने इसमें मंसूर में डाल दिया। आपने तो हमारा एजेंडा तस्लीम कर ही लिया। अब आपके एजेंडा और हमारे एजेंडा में कोई खास फर्क है ही नहीं। तो बताइए अपने मैदान सब के उम्मीदवार बताइए और चलिए। हम जम्मू कश्मीर का जो है एक बेहतर कल कायम करेंगे।